नमस्कार, पूनम राठी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। टेस्टी एंड बेस्ट रेसिपीज के आज के एपिसोड में हम बनाएंगे बेसन की नमकीन सेव, जिसे हम स्नैक्स में भी खा सकते हैं, सभी को बहुत ही पसंद आती है। चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से सेव बनाने की रेसिपी। सेव बनाने के लिए हम लेंगे बेसन 2 कप, चाट मसाला 1 टीस्पून, तेल 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, अजवाइन पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हींग 1 पिंच, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और नॉर्मल पानी। बेसन में हम सब इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे। सब इंग्रेडिएंट अच्छी तरह मिक्स करके नॉर्मल पानी से आटा गूंद के लेंगे। सेव का बैटर बनकर रेडी हो गया है। इस प्रकार की जाली लेंगे, सेव मेकर में सेव का मिश्रण ऐड कर सेव को तल कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी हम रखेंगे। अब आटे को हम सेव मेकर में लेके सेव को तल कर लेंगे। पैन में हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल अच्छी तरह गरम हो गया है। सेव मेकर से इस तरह से अब हम सेव को निकाल कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम फास्ट रखेंगे। हल्का सा चम्मच की सहायता से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से लेकर पलट कर दोनों साइड से सेव अच्छी तरह से तल कर लेंगे। सेव तल कर रेडी हो गई है। सेव का कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह से छलनी में निकाल कर लेंगे, यानी एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में आ जाएगा। यह हो गई सेव बनकर रेडी। इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, बहुत ही कुरकुरी सेव बनी है। इस तरह से हम कुरकुरी सेव सर्व कर सकते हैं। एज यूजुअल सम स्पेशल टिप्स फ्रॉम माय साइड। सेव में चाट मसाला ऐड करने से सेव बहुत ही चटपटी बनती है और सेव हमें मीडियम फास्ट फ्लेम पे तल के लेना है। और सेव हम 10 से 15 दिन तक एयरटाइट डब्बे में प्रिजर्व कर रख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.